सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y90C मॉडल, Y91C। तो Y91C के अंदर में प्रॉब्लम ये है कि चार्ज नहीं हो रहा है। अब चार्जिंग में क्या होता है, हम लोग चार्जिंग पिन चेंज करेंगे, फ्लक्स पता देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो मोटा मोटी है देख लेंगे, आईडी लाइन वगैरह सब कुछ चेक कर लिए, सब कुछ ओके है। बावजूद भी अगर ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है तो कैसे इसको चेक करना, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसे रिपेयर कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग इसको चार्ज में लगाते हैं, और चार्ज में लगाने के बाद बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार फ़ोन का बैटरी एकदम बैठ जाता है, तो आप लोग ऐसा करेंगे मतलब बैटरी पहले ना लगाइए, पहले चार्ज में लगा के फिर अचानक से बैटरी लगाते हैं तो अक्सर फ़ोन चार्ज उठा लेता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रीडिंग बिल्कुल मतलब 9 के बराबर ले रहा है, इतने रीडिंग में तो ये चार्ज नहीं होने वाला, इतना का ये बिल्कुल ही मिनिमम रीडिंग है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि पहले चार्जिंग चेक करने से पहले आपको पता है कि सबसे पहला काम क्या होता है, आपको उसका चार्जिंग पिन चेंज करना है। चार्जिंग पिन वगैरह सब देख लिए, ऊपर का फ्लक्स पत्ता वगैरह सब चेक कर लिए, तो आपका समझ जाइए कि नीचे मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा सीधा आपको मेन मदरबोर्ड में काम करना है। इसके लिए सबसे पहले ऊपर का बोर्ड खोल के डायरेक्टली आप जहाँ से आपका मेन पत्ता लगा है उसको आप डायरेक्टली वहीं से चेक कर लीजिए कि आपका वहाँ पे मतलब चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे मेन पत्ता में लगा के और यहीं पे अगर आप चेक करना चाहेंगे तो मेरे में फ़ोन में क्या है कि यहाँ पे ऊपर में वोल्टेज पहुँच रहा है, मतलब कि इसका नॉर्मली जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो चार्जिंग पिन में प्रॉब्लम है और ना इसके मेन पत्ते में। तो हमने सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया है, तो अभी सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन डेड तो नहीं है, चालू कंडीशन में है कि नहीं है, क्योंकि कस्टमर जब लाए थे तो पूरा बंद था फ़ोन, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि फ़ोन में प्रॉब्लम है, चार्जिंग में क्या है। तो पहले हम इसको डायरेक्टली डीसी मशीन से चालू करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डीसी मशीन का कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्वीजर की मदद से इसके बटन वाले जो लाइन होती है उसको आपको शॉर्ट करके इसको एक बार चालू करके चेक कर लेना है। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको भी तो दिखाना है कि फ़ोन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ट्वीजर की मदद से इसको शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे डीसी को हमने 4.2 वोल्ट पे सेट कर रखा है, मतलब कि आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो 4 वोल्ट पे चालू होते हैं, तो आपको 4 वोल्ट सेट कर लेना है। अगर आपका ये कीपैड फ़ोन होता तो उसको आप 3.7 वोल्ट सेट करिए, क्योंकि अगर आप कीपैड फ़ोन को 4 वोल्ट पे सेट करेंगे तो फ़ोन चालू ही नहीं होगा। जैसे सैमसंग के कीपैड फ़ोन आते हैं या फिर नोकिया के, तो उनको आप ट्राई करेंगे तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको सेट कर लेना है 4 वोल्ट पे, और यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट करिए डिस्प्ले को, पत्ते को या फिर बैटरी के पत्ते को, सबको, और उसके बाद से आप चेक करिए। तो अभी आप देखिए तो हमारा फ़ोन यहाँ पे चालू हो गया, ये देखिए वीवो लिख के आ गया, मतलब कि हमारा फ़ोन सही है, बस इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, चार्ज फ़ोन नहीं हो रहा है। तो अभी हमारा कंफर्म हो गया कि फ़ोन के अंदर सिर्फ हमको चार्जिंग देखना है, बाकी फ़ोन पूरी तरह से ओके है, क्योंकि फ़ोन चालू हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कई बार सॉफ्टवेयर की मदद से जैसे रियलमी 5 वगैरह कुछ कुछ मॉडल हैं जिनमें अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे है, तो वैसे फ़ोन भी चार्ज नहीं होते हैं। तो हर फ़ोन की अपनी अलग अलग कंडीशन होती है। अगर आप इस लाइन में हो, अगर आप लंबे समय से काम कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अनुभव होती जाएंगी, जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आप अपना स्किल आगे बढ़ाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेन पत्ते के ऊपर वाले पॉइंट पे हम दोनों कोनों पे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 5.3 वोल्ट, यानी कि एकदम प्रॉपर वोल्टेज पहुँच रहा है, मतलब कि इसका चार्जिंग पिन, फ्लक्स पत्ता या फिर सीसी बोर्ड वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि हमारा फ़ोन 100% गारंटी के साथ चार्ज होना चाहिए, अगर आपका फ़ोन सही है तो। यहाँ पे मदरबोर्ड में फॉल्ट है, तो हमने क्या किया, मदरबोर्ड को अभी रिपेयर करना हमको। तो आपको पता होगा कि जितने भी फ़ोन हैं जो कि Y90 सीरीज के हैं, Y93, Y91, Y91C, तो इन सभी में ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। जैसे कि हमने एक बोर्ड खोल रखा है Y91 का, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम बोर्ड है, सेम फ़ोन है, सब कुछ सेम है, लेकिन चार्जिंग वाले सेक्शन में आप ध्यान से देखेंगे स्कीमेटिक में, तो ये बड़ी वाली BQIC लगी है, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसमें ओवर प्रोटेक्शन IC है, क्वाइल है, सब कुछ है, EMMC आपका CPU वगैरह सब कुछ सेम है, बस आपकी चार्जिंग IC चेंज कर दी गई है यहाँ पे। तो इस वाले फ़ोन में ये वाली IC है, जबकि फ़ोन बोर्ड सब कुछ सेम है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे Y91C मेरा मॉडल है, तो इसके अंदर देखिए ये वाली IC लगी है जो कि छोटी साइज की है। तो ज़्यादातर जो Y90 फ़ोन आपके पास बनने के लिए आएगा वो Y90 ही आएगा जिसमें BQIC लगी रहती है, लेकिन मेरे पास ये वाला पहुँचा है जिसका हमारे पास IC नहीं थी, तो हमने मार्केट से नई वाली IC मंगा ली है। हालांकि आपको मदरबोर्ड ही मंगाना है, IC नहीं मंगाना है। अगर आपको मदरबोर्ड अवेलेबल मिले तो सेकेंड हैंड में स्क्रैप मदरबोर्ड खरीदो, उसमें ज़्यादा फायदा है, क्योंकि मार्केट की IC ज़रूरी नहीं है काम करेगी, लेकिन मदरबोर्ड से निकाली वाली जो IC रहती है वो 100% काम करती है। और मैंने इसीलिए आपको कई बार बताया है, अगर आपको मंगाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप जाके उन
उनसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सर्किट, यहाँ पे बी बस की लाइन जो है वो आई है, यहाँ पे इन हुई है ओवर प्रोटेक्शन आईसी में, और ओवर प्रोटेक्शन आईसी से बाईपास होकर ये आईसी सीधे चली गई मेन आईसी में। ओवर प्रोटेक्शन आईसी का काम होता है कि जैसे ओवर वोल्टेज आ जाए तो उसको प्रोटेक्ट करना, बोर्ड में कहीं डैमेज ना होना, वहीं तक सीमित रह जाना। और ये पहुँचा है कहाँ से, यहाँ से, ये देखिए आपका बैटरी कनेक्टर, यानी कि बैटरी कनेक्टर जो फ्लक्स पत्ता हमने चेक किया था वहाँ से वी बस बन के आया है, और वी बस जब यहाँ पे एंट्री होता है तो ये वी बस तब तक रहता है जब तक कि मेन आईसी चार्जिंग आईसी से आउटपुट ना मिल जाए। तो ये वी बस आपका ओवर प्रोटेक्शन आईसी से होते हुए आपका डायरेक्टली यहाँ पे कुछ कैपेसिटर से होते हुए सीधा चला जाता है आईसी में, और आईसी के बाद जब वो बाहर निकलता है वही वोल्टेज, ये इन होता है 5.2 वोल्ट और आउट होता है 4.2 वोल्ट, यानी एक वोल्ट का अंतर आ जाता है। और वो एक वोल्ट जब अंतर आता है तो वो इन जब होता है, यानी कि आउट जब होता है सॉरी, तो आउट में क्या है ये वी बैट बन जाता है, मतलब इंटर होता है तो वी बस की सप्लाई उसको बोलते हैं और आउट होता है तो वी बैट की सप्लाई हम बोलते हैं। तो अब अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कई जगह पर वी बस की भी सप्लाई जाती है जो कि डायरेक्टली आपके चार्जिंग के पहले ही कहीं कहीं भेज दी गई होगी, और अगर वी बैट की सप्लाई की कहीं ज़रूरत पड़ेगी 4 वोल्ट की तो वो भी कहीं कहीं भेज दी गई रहती है जैसे ही चार्जिंग आईसी से निकलता है। इसीलिए कई बार चार्जिंग आईसी के फॉल्ट से भी फ़ोन ख़राब हो जाता है, चालू नहीं होता, क्योंकि कई सप्लाई ऐसी होती है वोल्टेज जो कि आपकी आईसी में गई रहती है डायरेक्टली चार्जिंग से। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं अभी स्टेप बाय स्टेप, आपको ट्वीज़र की मदद से आपको देखना है यहाँ पे, सॉरी मल्टीमीटर की मदद से, कि आपको यहाँ पे वोल्टेज कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने चेक किया था स्कीमेटिक में, तो आपका वोल्टेज ओवर प्रोटेक्शन आईसी के पास गया था। तो सबसे पहला आपका काम होगा ओवर प्रोटेक्शन आईसी के आजू बाजू वाले जो कैपेसिटर थे उनको चेक करना है। कई बार क्या होता है कि वो कैपेसिटर में आपका वोल्ट वैल्यू नहीं आता है, लेकिन अगर सब कुछ ओके है, आप मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है कि मेरा सब कुछ ओके है, चार्जिंग आईसी जो है उसके पास तक वोल्टेज पहुंच रहा है, उसमें इन हो रहा है, लेकिन वोल्टेज जो 4.2 वोल्ट आता है वो आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका चार्जिंग आईसी ख़राब है, उसमें प्रॉपर वोल्टेज नहीं हो रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार चार्जिंग आईसी भी ख़राब हो। कई बार क्या होता है किसी किसी फ़ोन के अंदर आपका जो जैसे चार्जिंग आईसी भी आपने चेंज कर दिया, चार्ज सब कुछ ओके है, लेकिन Y90 और Y90C ये सब जो मॉडल है इनका जो सेंसर लगा रहता है, जो आपका आगे कॉलिंग सेंसर रहता है, उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आता है। तो अक्सर आप लोग क्या कीजिए, आपका अगर फ़ोन के अंदर बैटरी आईडी लाइन बैटरी वगैरह सब कुछ चेक कर लिए, क्योंकि बैटरी भी कई मामले में ख़राब रहता है, तो आपको ये भी देखना है। अब मान लीजिए कि 5 वोल्ट पहुंच रहा है ऊपर बोर्ड तक, लेकिन आपका बैटरी ही ख़राब है तो भी चार्ज नहीं होगा, तो बैटरी भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि बैटरी दूसरा डाल के कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगला स्टेप होगा आपको कि आपका जो सेंसर है जो ऊपर लगा रहता है उसको आप एक बार टेप से कवर करके तब चेक करिए। कई बार सेंसर के दिक्कत की वजह से भी फ़ोन चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ ओके है, हमने सब कुछ करके देख लिया है, तब जाके हम इसमें ये वाला ट्रिक अपना रहे हैं। अभी हम इसका जो चार्जिंग आईसी है उसको हम निकालेंगे और दूसरा नया वाला डाल के देखेंगे कि हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। एक फ़ोन का चार्जिंग बनाने का जो स्टेप है आपको मैंने टोटली समझा दिया है, लेकिन एक बार और आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम, आपके पास फ़ोन आता है तो फ़ोन को ओपन करिए, ओपन करने के बाद उसका चार्जिंग चेक करिए, चार्जिंग चेक करने के बाद से जब आपका चार्जिंग पिन वगैरह सब ओके है तो फ्लक्स पत्ता चेक करिए, फ्लक्स पत्ता ऊपर में जो उसके चार्जिंग वोल्टेज निकला है। आपके पास स्कीमेटिक तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी फ़ोन रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सर्किट ही नहीं पता रहेगा कौन सा कहां गया, तो आप कैसे रिपेयर करोगे। जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं रिपेयरिंग करना, अगर उनके पास भी स्कीमेटिक रहेगा तो कुछ हद तक वो रिपेयर कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको फ़ोन में बटन पावर बटन शॉर्ट हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो बटन नया डालने के बाद भी काम नहीं कर रहा, तो अब क्या करोगे, स्कीमेटिक में देखोगे कि उसका सर्किट कहां से कहां गया है। और आप जब सर्किट देखोगे तो आपको एक जम्पर करना रहेगा जहाँ पे आपका सर्किट ब्रेक हुआ रहेगा वाटर डैमेज से, आप वो कोई भी कर सकता है, और ये स्कीमेटिक की मदद से होगा। तो आपको स्कीमेटिक रखना चाहिए जो लोग नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग में भी सेम प्रोसेस है, स्कीमेटिक अगर आपके पास है तो आप आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हो। तो अभी आपका वोल्टेज ऊपर बोर्ड में भी पहुंच रहा है, सब कुछ ओके है, इसका मतलब कि आपको अगला स्टेप होगा कि अब आपको बैटरी चेक करना है। अब आपने बैटरी भी चेक कर लिया, बैटरी भी ओके है, आपका चार्जिंग बोर्ड ऊपर तक पहुंच रहा है, सब कुछ ओके है, तो यानी कि अब आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको जैसे नया नया मॉडल में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक में काम आ जाते हैं। जैसे कि आपको Y90 में बताया कि Y90 में क्या होता है कि आपका सेंसर ऊपर जो रहता है कॉलिंग सेंसर, उसमें भी टच होने से कई बार चार्ज नहीं होता है, तो वो भी सब चीज़ें देख लेना अगर आप जानकारी रहे तो। और उसके बाद जाके अब आपको चार्जिंग सेक्शन छेड़ना है लास्ट में।
तो हमारा सब कुछ हमने ओके कर रखा है, सब कुछ चेक कर रखा है, तब हम आपका चार्जिंग सेक्शन में आपका चार्जिंग आईसी चेंज कर रहे हैं। अभी आपका माइक्रोस्कोप का भी व्यू दिख रहा होगा, जो आप चार्जिंग आईसी हम निकाल रहे हैं उसको हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग आईसी को हीट करके निकाल लेना है, और निकालने के बाद से जैसे ही चार्जिंग आईसी को आप बाहर निकालोगे, यहाँ पे माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आईसी निकलेगा। निकलने के बाद से आपको नया वाला आईसी बैठा के उसको फिट कर लेना है। अभी हम इसमें चार्जिंग आईसी नया वाला डाल के देखते हैं कि हमारा फोन ऑन हो रहा है, मतलब ऑन तो हो ही रहा था, हमारा फोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये नए वाली आईसी में एक फायदा है कि अगर मार्केट से आप आईसी मंगा रहे हो तो ज़्यादातर आईसी क्या पहले से रिबोल होके आती हैं, तो आपको टाइम बच जाता है। आपको सिर्फ बोर्ड से आईसी निकाल के साफ करना और नया वाला आईसी डायरेक्टली लगा देना है बिना रिबोल किए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फोन के बोर्ड को साफ तो पहले ही हम कर रखे हैं आईसी निकाल के, अभी आपको सिंपल सा इसको इसमें लगा देना है, इंस्टॉल कर देना है। इसके बाद से हम चेक करते हैं हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि हमारे फ़ोन में कोई दिक्कत है ही नहीं तो फ़ोन चार्ज होगा, लेकिन अगर आपके केस में ऐसा हो रहा है कि आपने चार्जिंग आईसी भी नहीं लगा दी फिर भी नहीं हो रहा है चार्ज, तो एक बार आप क्या करिए कि आप एक्चुअली एक आईसी तो मंगाएंगे नहीं, तो दूसरा वाला आईसी भी डाल के देखिए। कई बार क्या होता है मार्केट की आईसी भी फॉल्ट होती है, अगर दूसरा भी डालने के बाद भी नहीं हो रहा है तो अक्सर क्या होता है कई बार कि हम मार्केट की जितनी आईसी डालते हैं किसी किसी फ़ोन में कोई भी आईसी सपोर्ट नहीं करता है। तो अब हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि सेम बोर्ड का कोई ऐसा फ़ोन जुगाड़ते हैं जो कि आईसी उसकी सही हो चार्जिंग वाली, हम उसको ओरिजिनल वाली डाल के देखते हैं। और अगर तब भी नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, जो ब्लैक कलर का कंपोनेंट होता है वो शॉर्ट है। तो चार्जिंग सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट हैं स्कीमेटिक में चेक करिए सबकी क्या वैल्यू है, उन सभी को सेम वैल्यू के वहाँ पे कंपोनेंट को चेंज करिए, यानी कि रिप्लेस करिए। जितने भी वहाँ के आसपास के जो कैपेसिटर है मेनली जो वर्क कर रहे हैं चार्जिंग में, जो रेजिस्टेंस है सबको चेंज करिए, और 100% इस कंडीशन में आपका काम हो जाएगा। तो हमने अभी आईसी को यहाँ पे अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ी देर बोर्ड को ठंडा होने देंगे, क्योंकि जब भी हम किसी फ़ोन में आईसी लगाते हैं तो उसको आसानी से आराम से फूंक के या फिर हवा से ऐसे ही रख के ठंडा होने दीजिए। उस पर आप कोई भी लिक्विड वगैरह ना डालिए, गर्म ज़्यादा रहने से अगर लिक्विड अचानक से उसको टेम्परेचर आप लो कर देंगे एकदम से ही लिक्विड डालने से, तो फिर वो आईसी वगैरह या फिर जो भी कंपोनेंट है वो ख़राब हो सकते हैं। तो कोई कंपोनेंट अगर शॉर्ट हुआ तो उसको अपने नॉर्मली नेचुरली उसको ठंडा होने देना, कि अपने प्रेशर में उसको कोई लिक्विड डाल के जल्दी से ठंडा करे। तो हमने कुछ देर इसको रोक के रखा था, ठंडा किया हमने, फिर अब हम इसको लिक्विड से साफ कर दे रहे हैं। अभी आपका स्कीमेटिक और आपको मैंने सारी चीज़ें दिखाई है, अगर आपको स्कीमेटिक नहीं रखे हैं तो आप लोग स्कीमेटिक रखिए, क्योंकि बिना स्कीमेटिक ये सारी चीज़ें रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। और बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम आपको एक महीने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हम फ्री में स्कीमेटिक देने वाले हैं एक नए तरीके का, और आप लोग उसको यूज करके चेक करिए, अगर अच्छा लगे तो आप लोग उसको खरीद भी सकते हैं। तो बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है तो आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर। तो अभी हमने फ़ोन को प्रॉपरली सब कुछ ओके कर लिया, अब हम क्या करेंगे प्रॉपर इसको कनेक्ट करके और एक बार चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी बैटरी भी ख़राब थी इस फ़ोन की, तो हमने क्या करना है कि इसका दूसरा बैटरी भी ले लेना है, क्योंकि इस फ़ोन की बैटरी भी ख़राब है, पहले से पूरी तरह से डैमेज है। तो बैटरी को हम यहाँ पे रिप्लेस करके भी इसको चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बार क्या करते हैं, हम पूरा फ़ोन ही छेड़ डालते हैं और बैटरी पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि बैटरी हमारा ख़राब है कि सही है। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना है, बैटरी अगर ख़राब होगी तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा कतई। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे इसको सब कुछ ओके कर लिया। अब यहाँ पे हमने इस आईसी को चेंज किया था, यहाँ पे आप देखिए ये वाली आईसी है जिसको हमने चेंज किया था, और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये फ़ोन, ये देखिए ये वाली आईसी थी, ये आपकी छोटी सी आईसी, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओवर प्रोटेक्शन आईसी से थोड़ा डबल साइज का है बस मान के चलिए। यहाँ बाजू में देखिए ओवर प्रोटेक्शन आईसी लगा, और ये वाली आईसी जिसको हमने चेंज किया था। तो अब हम इसको पूरा पैक कर चुके हैं, ये वही फ़ोन है Y91C, और यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज कंज्यूम कर लिया और यहाँ पे देखिए चार्ज होने लगा। देखिए पहले ये बिल्कुल वोल्टेज कंज्यूम नहीं कर रहा था, यहाँ पे देखिए जैसे ही चार्ज उठाया यहाँ पे, क्योंकि इसकी आईसी ख़राब थी चार्जिंग वाली और ये बैटरी भी ख़राब था, तो ये दोनों हमने चेंज किया और हमारा फ़ोन चार्ज होने लगा। जब पहले हम बैटरी चेक किए थे, चूंकि देखिए आपको पता है कि आप पहले आईसी पे काम नहीं कर सकते, पहले आपको बैटरी मेन पता सब कुछ चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको अगला स्टेप।